और उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करके अब बिहार में घुसाएगा तो आईएस शेर का शिकार कैसे होता है बिहार में उसको बताया जाएगा। और आप पूछ रहे हैं कि बिहार में आ जाएगा तो क्या करेंगे, पूजा करेंगे उसकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं अनुष्का सिन्हा। बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने विकास दुबे को चैलेंज करते हुए कहा है कि बिहार में घुसकर दिखाए हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। इसी बात पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिगड़ गए और DGP गुप्तेश्वर पांडे को आड़े हाथ ले लिया। बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करने वाले विकास दुबे को चैलेंज करते हुए कहा है कि हिम्मत है तो बिहार में घुसकर दिखाए। DGP ने कहा है कि अपराधी की कोई जात नहीं होती। उन्होंने कहा अपने आप को शेर समझता है तो आए बिहार दिखाते हैं कैसे बिहार में शेर का शिकार किया जाता है। तेजस्वी यादव ने गुप्तेश्वर पांडे पर हमला बोलते हुए कहा है कि इस डायलॉगबाजी ने तो बिहार की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रखी है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा जरा DGP साहब से पूछिए, नरसंहार, लूट, अपहरण, कब्जा, हत्या जैसे 50 संगीन मामलों के दोषी मुख्यमंत्री जी के दुलारे पेशेवर आतंकी विधायक पप्पू पांडे को कब पकड़ेंगे। दरअसल गोपालगंज में हुई ट्रिपल मर्डर मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, JDU विधायक अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडे की गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे हैं। तेजस्वी का आरोप है कि अभी पुलिस पप्पू पांडे पर लगी संगीन धाराओं को हटा रही है। बता दें कि राजद नेता JP यादव के परिवार की हत्या मामले में कुचाया कोर्ट से JDU विधायक पप्पू पांडे को भी आरोपी बनाया गया है। इस मामले में विधायक के बड़े भाई सतीश पांडे और जिला पंचायत अध्यक्ष मुकेश पांडे को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब तक पप्पू पांडे की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको लेकर बिहार में सियासत तेज है। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।